फ्रेंड्स, क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है? क्या आप जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो जो TDS कटता है दोस्तों, और लगभग आपका 20% TDS काटेगा आपका। और इसके साथ साथ जब आप पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट से एक टाइम दिया गया था 22 जुलाई 2022 का, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा काफ़ी सारे लोग नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट की ओर से डेट को बढ़ा के 31 मार्च 2023 किया गया, यानी कि इसी महीना। तो अगर आप चाहते हैं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो तो ज़रूर करवाइए, अन्यथा दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि पैन कार्ड आपका समाप्त कर दिया जाएगा गवर्नमेंट से। तब ना आप नए बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना आप GST के मामले में कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द आप पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक अवश्य करा लें। और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको बस एक ऑनलाइन की वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, pan.utiitsl.com, इसमें जाइए आप और यहाँ पे अब आप देख चेक कर लीजिए आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का लिंक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो ऑनलाइन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।